हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। चलिए दोस्तों, कैसे हैं बताइए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन के तौर पर करने वाले दोस्तों, और इस वीडियो से एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं 100% श्योर है। ठीक है, आप खुद ही बताइएगा कि श्योर है कि नहीं। मेरा तो काम ही बोलना, आप देख लीजिएगा। आपको लग रहा हो कि ऐसे हवा हवाई कर रहा है, तो आप देख लीजिएगा कि वाकई में, हालांकि क्वेश्चन करवा चुके पहले भी करवा रहा कैसा बात नहीं है, लेकिन आप रिवीजन के पर्पज़ के तौर पर हम करवा रहे हैं जो आपको श्योर से क्वेश्चन दिलाए वहाँ पर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा ना, जो कंपटीशन इतना ज़्यादा टाइट है ना, एक क्वेश्चन से लिमिट, एक क्वेश्चन नेगेटिव कर दीजिएगा ना, आपका कितना रैंक पीछे चला जाएगा आप एक सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो कहीं का आपको जरूर फायदा मिलेगा, ये आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा और आपको आइडिया लग ही रहा होगा। ऐसा बात नहीं हम बोल लेंगे तो मान जाइएगा, नहीं आपको नहीं मानना, आपको खुद एहसास करना चाहिए कि गलत चीज़ दे रहे हैं सही चीज़ दे रहे। ठीक है, तो चलिए देखने वाले दोस्तों। और दोस्तों, जो करंट अफेयर का जो PDF जो अभी तक नहीं लिए हैं, झारखंड करंट अफेयर जो 4 से 5 बार उम्मीद है आने का, ले लीजिएगा दोस्तों। बुक से बढ़िया दोस्तों, हैंड रिटन है, बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है। 2021 का है, 22 का है, 23 का पूरा जनवरी से लेकर 23 तक है। हालांकि 21 और 22 का सेलेक्टेड है, हालांकि ज़्यादा चांस लग रहा है क्वेश्चन जो आएगा आपका 2023 से बाहर नहीं देगा, और ज़्यादा क्वेश्चन तो देगा नहीं, तो उसके लिए बुक क्यों खरीदेगा 350 लगा के भाई। PDF ले लीजिए ना, 69 का है। ठीक है, उसमें हाथ से लिखा एक क्वेश्चन छाट छाट कर लिखे हुए। ठीक है, जिसको लेना होगा तो ये नंबर 8968765101 पे ये व्हाट्सअप करके स्क्रीन शॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, वहाँ पर भेज देंगे। ठीक, फोन करने की जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए तो देखिए दोस्तों, ये आपको मुख्य संस्थान और एजेंसी के बारे में बताने वाले क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 2001 का देखते हैं, कब 2001 वाला देखते हैं। JPSC के बारे में पूछ देगा, JPSC का स्थापना कब हुआ था, 2001 में हुआ था। आर्टिकल 315(1) आर्टिकल के तहत, 315(1) याद रखिएगा आर्टिकल। ठीक है, पहला महिला अध्यक्ष नीलिमा करकट्टा जो अभी फिलहाल में है, ये पहला महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष JPSC का FC हेम्ब्रम, इस स्टैटिक GK में आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों टोटल कितना मेंबर होते हैं, 9 मेंबर होते हैं, प्रावधान इतना। ठीक है, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, टोटल 9 मेंबर होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में है कितना, 5 ही, एक अध्यक्ष है और 4 ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा टोटल कितना होता है, 9 में कौन, 1+8, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे याद रखना है, और इसका कार्यकाल भी याद रखना है, 6 साल और 62 याद रखना, 6 और 62 ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 साल और 62 ईयर याद रखना है, क्योंकि दिमाग में होता है 6 और 62 दिमाग में एक्चुअली होता है। ठीक है, तो 6 और 62 याद रखना आपको। चलिए, JCEC बोर्ड सीधा लिख देगा। ठीक है, JCEC बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 2001 मारना है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये बस इतना है, 2001 याद रखना, बस सिंपल तरीका है इसका। JEPC ऐसे पूछ देगा। ठीक है, झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो पूछ देगा सीधा कब लॉन्च हुआ था, इसका स्थापना तो 2001 में हुआ था। राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, ये भी राज्य चुनाव आयोग, इसमें भी 2001 में ही है। अभी कौन है, देवेंद्र कुमार तिवारी, वो चेक कर लीजिए, चेंज तो नहीं हो गया। इसका देखिए 243 के ये याद रखिएगा। ठीक है, 243 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 243 ABCD करके दे देगा, ऑप्शन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, 243 के, राज्य चुनाव आयोग 243 के। ठीक है, और देख लेते हैं जरेडा, ये जरेडा का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिएगा 2001 जरेडा मतलब 2001। ठीक है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जरेडा 2001। ठीक है, और झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, ये भी याद रखिएगा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड 2001। ठीक है, याद रखना। देखिए JSEB में तीन तरह होता है, JUUNL, JUSNL और JBBNL, इसका नाम आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, JBNL ऐसे भी पूछ सकता है, JBBNL, तो 2001 में ही इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए 2002 देख लेते हैं, 2001 का हो गया। 2002 में JSMDC, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड, पहले बात फुल फॉर्म पता होना चाहिए, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या है, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2002, कब है 2002, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम। ठीक है, एक ही याद, 2002 का एक ही याद रखना, बाकी आगे बहुत बता देंगे। 2003 में इंपॉर्टेंट, 2003 ला JSAC, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2003 में, और जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2003 में, याद रखें। 2004 में याद रखना है, क्या रखना है, 2004 में भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें फंसा का क्वेश्चन आपको, JAPIT झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये 2004। ठीक है, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 2004, इसमें आपको फंसाएगा ये वाला। JEE DCO इसे फुल फॉर्म दे देगा, या तो ऐसे दे देगा। ठीक है, JEE DCO का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2004 में, इसका फुल फॉर्म झारखंड इंडस्ट्रियल, देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या है, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसा बात कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 2004 में ही, एक है जुडको,
ये याद रखिएगा ठीक है। ये जुडको आप नाम सुने होंगे, ये 2013 का है ठीक है। ये JIIDCO जो है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2004 का है। और जुडको बोलते झारखंड अर्बन, देखिए यहाँ झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी है इसमें, तो याद रखिएगा झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा तो 2004 में, झारखंड अर्बन वाला बोलेगा अर्बन मतलब शहरी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बोलेगा तो 2013 में, तो दोनों अंतर याद रखिएगा ठीक है। जुडको 2013 और JIIDCO 2004, कन्फ्यूज मत होइएगा ठीक है। चलिए झारक्राफ्ट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हो सके ये एग्जाम में आ जाए, सचिवालय एग्जाम में 2006 झारक्राफ्ट 2006, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है झारखंड स्किल, फुल फॉर्म मतलब नहीं है इसका, मतलब यही है झारखंड स्किल टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या है झारखंड स्किल टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य महिला आयोग, ये भी याद रखना है महिला आयोग 2006 ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन था, लक्ष्मी सिंह, अभी पता नहीं कौन है, अभी पूछेगा भी नहीं, अभी पूछ सकता पहला अध्यक्ष, या फिर ये पूछेगा कि झारखंड राज्य महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2006 में, कब हुआ था 2006 में। चलिए और एक कोट है JHAM जैन कोफेड, झाम कोफेड, ये भी इंपॉर्टेंट है 2007 में, याद रखिए डायरेक्ट पूछ देगा एकदम, ईयर दे देगा आपको 2005-06-07 ऐसे करके, तो ठीक है। झारखंड लघु, झारखंड राज्य लघु वनभोज सहकारी विकास और विपणन संघ लिमिटेड, आपका इसका ज़्यादा चांस है ये पूछ देगा ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा बताए, झाम कोफेड जो है 2007 ठीक है, 2007 इसका इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में फुल फॉर्म देखा झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, क्या है झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, देखिए 2007 ईयर याद रखिएगा ठीक है। सहज SHAG झारखंड राज्य प्राजपत परिधान 2007 कब है, 2007 ठीक है। तो झैम कोफेड और सहज झारखंड स्टेट राजपथ परिधान 2007 ठीक है, कब है 2007 ठीक है। JSSC जो आप लोग को दौड़ाता है बार बार ठीक है, JSSC आयोग, JSSC नाम तो बहुत सुन लिएंगे, एग्जाम वही पूछ देगा JSSC का स्थापना कब हुआ था, लो सबका हवा निकल जा रही है, JSSC का स्थापना ऑफिस तो कई बार गया लेकिन पता तो नहीं चल पाया, लेकिन 2008 याद रखिएगा ठीक है, कितना 2008 आते, क्यों कैसे याद रखना दोस्तों, क्योंकि 8 साल के बाद एग्जाम ले रहा है भाई साहब, JSSC सीजल का एग्जाम तो 8 साल के बाद हो रहा था, JSSC जैसे याद आएगा तो 8 साल के बाद मार देना और क्या, 2008 बात खत्म ठीक है। चलिए 2011 में क्या है, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसका अध्यक्ष काजल यादव है और 3 वर्ष और 6 पैंसठ है, 3 पैंसठ इसमें ठीक है, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 3 साल 65 ईयर, ये दोनों याद रखिएगा, 3 साल रिटायरमेंट वाला होता है और 65 साल ठीक है, 3 साल 65 3 पैंसठ, JPSC का था 6 बासठ, और झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2011 में आया था ठीक है, काजल यादव इसका अध्यक्ष है और 3 साल और 65 ईयर ठीक है। चलिए 2009 में क्या आया था, हाँ ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2009 वाला, JSLPSA ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम श्योर शॉट है, ये भी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी 2009 ठीक है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कहने मतलब झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी, एक आ चुका है ये क्वेश्चन ठीक है। तो जितना भी दिया दोस्तों छाट कर दिए हैं ठीक है, इसे बाहर नहीं देने वाला, देगा तो फिर अलग बात है, तो देख लीजिए एक बार, आपको शायद किया हुआ है, अभी रिवीजन एक बार हो जाएगा, आप लोग तो पढ़वे किए होंगे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने तरफ से मेहनत करिए रहे, लेकिन एक बार देख लीजिए शायद काम बन जाए, रिवीजन हो जाए, गलती हो जाता है इससे, बहुत छोटा छोटा सिली मिस्टेक हो जाता है ठीक है। जैसे पूछ देगा बताइए JSE जैसे पूछ देगा चुनाव आयोग कब आया 2001 में, उसे तो झारखंड पूछ दिया ठीक है, JBNL पूछ दिया, और कौन सा जुडको वाला पूछते, जुडको 2013 है और JIIDCO कितना था 4 था ये ठीक है, उसी तरह सहज वाला पूछ देगा उसी तरह ठीक है, JSSC तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी करवा दिए कि आप पता पूछ दिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट JSLPSI ये इंपॉर्टेंट है 2011 ये भी याद रखना है, 2009 होगा इसका ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना है आपको, दिमाग डेट में एकदम सी देखते साथ मार देना है, लेट नहीं करना है, बस नेगेटिव नहीं करना है इसको ठीक है। चलिए उम्मीद करते दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों सेल्फिश मत बनिए आप लोग ठीक है, आप पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखे हुए, अपना सेल्फिश निभा रहे हैं, देख रहे हैं चुपचाप लगा दे, लाइक वगैरह करते नहीं है ना, शेयर करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, जब आपको हेल्प मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको शेयर कीजिए, अब देख के चुपचाप लगा देते, ऐसे नहीं होता भाई साहब, और आपके अनुसार ऐसा होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हम क्या बोले फिर है, चलिए कोई बात नहीं, शेयर करना लाइक करना ज़्यादा अच्छा है, सिलेक्शन होना आपका, बात खत्म ठीक है, एक सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो भाई लाइक शेयर तो बाद में हो जाएगा ठीक है। चलिए खैर जो भी दोस्तों, तो रिवीजन के पर्पस देख सकते हैं इसको, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।